अल्लाह ने फरमाया जी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु, हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। भी हमारे चैनल का रियायती फैसला बंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें। सकदे खैर नू नहीं पहुंच सकदे हत्ता के खर्च करो उस चीज नू जेड़ी तुहानू सब तो ज्यादा प्यारी लगदी है, सब तो ज्यादा पसंदीदा चीज अल्लाह दी राह अंदर तकसीम करो। सुभान अल्लाह। इधर वेखना तरा ये नहीं कि बंदा जिस तरह इस्तेमाल शुदा चीज अल्लाह दे रस्ते च नहीं दे सकदा, नहीं दे सकदा, उदा सवाब ते अजर मिलेगा, लेकिन ये अजर ते नहीं ना मिल सकता जिहड़ा पसंदीदा चीज़ अल्लाह दे रस्ते अंदर प्यारी चीज़ खर्च करन दा मिलेगा। ये तो बहुत आला अजर है, बड़ा वड्डा अजर एदा। इधर वेखना इस आयत दे नाज़िल होने तो बाद मेरे तेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खिदमत आलिया दे अंदर मेरे नबी दा एक अंसारी सहाबी हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला बुखारी शरीफ दी हदीस है। सुनिया सुनाइया बातें नहीं, कचिया पिलिया इधरों फड़ी इधरों ख्वाब किसे कहानियां ना ना, बल्कि पक्कियां पीढ़ियां अल्लाह दे फजल नाल पुख्ता सही सनत दे नाल इंशाअल्लाह बातां जनाब की खिदमत अंदर पेश हो रही ने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी जेड़े सहाबा विचो सहबे हसीयत सन, कुछ खांदे पींदे सन, अल्लाह करीम ने अपनी रहमतां नाज़िल फरमाइया हुई सन। जदों मेरे तेरे प्यारे नबी की खिदमत अंदर आदर हो के अर्ज करते ने इस आयत दे नाज़िल होने तो बाद कहते ने अल्लाह के प्यारे पैगंबर जी जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनियो बेरहा यानी एक मेरा बाग है उदा नाम सी, वो मैनू सारे अपने बागां दे विचो बड़ा ही ज्यादा पसंद है। मेरा दिल करदा मैं उनू सदका कर दिया, सदका कर दिया। अल्लाह दे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिता, आका फरमाते ने मेरी राय है, मेरी राय, आपने अपनी राय का इजहार फरमाया, हुक्म नहीं दिता, आपने फरमाया मेरी राय मेरी ख्वाहिश है कि तू अपने अकरबा यानी करीबियां अजीजा ते खर्च कर। सुभान अल्लाह, दोरा सवाब, सदके दा सवाब अलग मिलेगा, सिला रहमी दा सवाब अलग मिलेगा, हाँ जी सवाब डबल हो जाएगा। चुनाचे हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला ने अपना सारे दा सारा बाग अपने कजना नू अपने रिश्तेदारा ते अजीजा नू सारे दा सारा बाग वंड छड़िया, तकसीम कर छड़िया। हाँ जी इस वास्ते अल्लाह फरमांदे रे मेरे प्यारे नबी नू मनन वाले साहबा वो सन के जड़े अल्लाह दे नबी कोल बात पहुंचदी सी ते फौरन अमल करने वास्ते तैयार हो जाते सन। मेरे नबी हुक्म इरशाद फरमाते सन, उन्हों बजा लेते सन, कुरान उतरदा थी अमल करके विखा देते सन। इस वास्ते अल्लाह फरमाया आला दर्जे दी नेकी ते अजर ते भलाई वो तुसी नहीं हासिल कर सकते हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बु, चल करके अल्लाह करीम ने फरमाया वअतसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। फरमाया अल्लाह दी रस्सी नूं सारे दे सारे मिल करके जमीया जमीया सारे हैं जी सारे मुकम्मल सारे दे सारे मिल करके मजबूत थाम लो, मजबूती नाल पकड़ लो। हुण अल्लाह दी रस्सी की है क्यों जी? अल्लाह दा कुरान है, मेरे नबी दी हदीस है, हदीस पाक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान होवे, अल्लाह दा कलाम होवे,
जेड़ा दीन आसमाना तो उतरिया है अल्लाह दी रस्सी है अल्लाह नू इनू मजबूती नाल पकड़ना है ते मिल करके पकड़ना है कट्ठे हो करके इत्तेहाद इकट्ठ और इज्तिमा यानी जेड़ा इत्तेहाद हो सकता है सिर्फ और सिर्फ कलमे ते हो सकता है। क्यों जी मैं अपनी गद्दी अपने बड़े दी बात छड़ा दूसरा मेरा वीर अपने बड़े दी बात छोड़े जेड़ा सारे जहाना नालों वड्डा नबिया तो भी वड्डा। क्यों जी सारे नबिया ते बलिया ते फरिश्तिया नालों भी अजमत ते शान अंदर उच्चे जेड़े आमना दे लाल अरब दे दुर्रे यतीम शीमा दे वीर और जगां दे वीर जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है जी बात नू या रब दे कुरान या प्यारे नबी दी हदीसे पाक नू एना दो बातां नू अगर मनना है ते उथे इकट्ठ हो सकदा है। क्यों जी इज्तिमा हो सकता है बंदे दा इत्तेहाद इस बात से हो सकता है क्यों जो मेरे उस्ताद जी फरमांदे दे सन जेदा कलमा पढ़ी दे वो दी गल मन्नी दी। क्यों जी इज्तिमा ते हो जाएगा अल्लाह अकबर अल्लाह इसे बात दे मेरे प्यारे वीर अगे अल्लाह ने इस तो बात बयान फरमाई है बड़ी प्यारी अल्लाह फरमाते ने कि जनाब तुहाडे विचों इक इहो जी उम्मत होनी चाहीदी है इहो जी जमात होनी चाहीदी है याद الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر जड़ी भलाई दी दावत देवे लोगों नू खैर दी तरफ बुलावे और चंगे ने कम्मा दे नम ने कम्मा दा हुक्म देवे और बुराइयां तो रोकण वाली जमात जरूर होनी चाहिदी है। और फरमाया जेड़ा है जेड़े लोग ये काम करदे ने उलाइका हुमुल मुफ्लिहून ओ कामयाब तरीन ने अगर कामयाबी जांदे हो ये तबलीग वाला सिस्टम जारी रहना चाहिदा है ये उम्मत दे अंदर एक जमात हो जी जरूर मौजूद रहनी चाहिदी है। और इस तो अगे अल्लाह ने थोड़ा जा अगे चल के बड़ा ही प्यारा मसला फरमाया अल्लाह करीम ने फरमाया वो फरमाया जी युन्फिकूना फिस्सर्राय यानी अल्लाह दीन तबाद बात शुरू की थी अल्लाह दीना युन्फिकूना في السراء والضراء इतने प्यारे लोग अल्लाह ने ना दी तो सिफत बयान फरमाई है जेड़े तंगियां दे अंदर भी फराखियां दे अंदर भी खर्च करते ही रहते ने वल काज़िमीन अल गईद वल आफीन अन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनी तेरा कलाम कितना प्यारा है इधर वेखना एदी वजाहत अंदर एक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह कह दो रजी अल्लाह तआला अंदा अमल भी खांदा चला जावा हजरत हसन दे दस्तरखान ते मुअज्जिन तशरीफ फरमाने मेहमान तशरीफ रखदे ने इन्हां दी नुकरानी इन्हां दी मुलाजमा दस्तरखान ते खाना चिणे जा रही है शोरबे ते प्याले भर भर के रखे जा एक शोरबे का प्याला भर के लियाई हजरत हसन दे उत्तों दी गुजार लगी अचानक दा पेर तिलकिया हजरत हसन दे शोर बार उड़ गया उससे परियां निगाहां नाल हजरत हसन वेख रहे ने कहर परियां नजरां नाल वेखदे पए ने इस मुलाजमा दा जिस्म कंबण लग जांदा है कंबदिया कंबदिया दी जबान चो अल्लाह दा कुरान जारी हो जांदा है इस आयत दा एक जुमला पढ़िया कहंदी والكاظمين الغيظ कई बंदे ते इंज दे भी होया करदे न जेड़े गुस्से नूं कंट्रोल फरमान वाले गुस्सा कंट्रोल कर लैंदे ने हजरत हसन फरमांदे ने कौन लोग होणगे जेड़े गुस्से नूं इवें खत्म करदे ने वाले कंट्रोल करने वाले उन्हां अंदर मैं अपने आप नूं क्यों ना शामिल कर लवां कहंदे ने जा मेरा गुस्सा ठंडा हो गया है गुस्सा मैं अपने दिल चो वैसे ही खत्म कर छड़िया है इन्हें आख्या अज कल फिर कदी बदला ना लै लैण फिर जनाब इसे ऐ दाग
اگلا جملہ تلاوت کر دیے کہندی والعافین عن الناس کئی بندے تے لوکاں نوں معاف بھی کر دیندے نے حضرت حسن فرماتے نے اللہ والیے تو تے قرآن پڑھ کر کے میرے دل دی دنیا ہی بدل چھوڑی کہندے نے نہ اج نہ کل نہ دنیا دے اندر نہ آخرت اندر اس جرم دا میں تیرے کولو بدلہ نہیں لواں گا جا تینوں معاف کر چھوڑیا اے حضرت حسن فرماتے نے ہاں جی اتنی گل جدو ارشاد فرمائیے جناب اللہ اے نکرانی اسے ویلے بولیے کہندی کم تے پڑھن والا اے قرآن پڑھن والیاں سن والیاں دے کم بانی جاندے نے نا کہندی اسے اے آخری جملہ تلاوت کر دیے کہندی اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نو بڑائی پسند فرماتا ہے حضرت حسن فرماتے نے چاہ میں تینوں آزاد کر چھوڑے آئے کیا بات ہے قرآن دی تاثیر ان لوگاں تے جنہ دے دلان دی زمین زرخیزی ایک ہور ٹچ دیواں چھوٹا جا بات دے آخر دے جان دی نظران دیئے اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا من حولك سبحان اللہ ایتھے بیاں موگیاں اللہ فرما دینے میرے پیارے محبوب اے جڑیاں تو انو نرمیاں اے جڑیاں مٹھاساں دا فرمائیاں نے اے اللہ دی طرفوں نے اگر اللہ دیاں دتیاں گوئیاں اے نرمیاں اخلاق مٹھاساں اے سویٹ جو اللہ کریم نے سارے جہاناں تو انوکھی پیارے محبوب تو ہانو عطا فرمائیے اگر اے مٹھاس تے نرمی تو انو عطا نہ فرمائی ہندی فرمایا اگر تسی سخت دل ہندے اے جڑیاں تواڈے ارد گرد بہاراں نظراں دیاں نے کدی نظر نہیں آنیاں سن جڑا ویکھدا اے سونے دا ہی ہو کے رہ جاندا اے اٹھن جوگا رہندا ہی نہیں اے اسے واسطے عرش والے نے کمال درجے دا بیان فرمایا اے اللہ کریم نے فرمایا سن لو ایدے اندر جناب بہت ساریاں باتاں اللہ اکبر میرے نبی سورہ آل عمران دا آخری رکوع میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند تو جدو بیدار ہوندے تہجد دے ویلے میرے نبی اٹھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور اے جڑی جاگن دی دعائے پڑھنے تو بعد میرے نبی سورہ آل عمران دا آخری رکوع تلاوت فرماندے اور اے دے نال بعد دے آخر دے آ گئی اگے اللہ کریم نے جناب اس چوتھے سپارے دے اندر یعنی سورہ جڑی ہے سورت شروع کر چھڑی ہے اللہ کریم نے سورت النساء یعنی عورتاں دے نساء عورت نوں کہندے نے نا عورتاں دے اللہ کریم نے مسائل احکام بیان فرمائے پھر یتیماں دے اللہ نے حقوق بیان فرمائے مالک الملک نے وراثت دے مسائل بیان فرمائے مالا سونے نے جناب ہاں جی اے دیکھو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے یعنی اتنے پیارے اخلاق بیان فرما دیا ہویا پارے پیارے اس پارے دے آخر دے تے اللہ کریم نے یعنی حرمت دے مسائل بیان فرمائے یعنی محرم رشتیاں دے بارے اندر بیان فرمایا آخر تے گالے تے مک گئی اللہ نے فرمایا سن لو پاپ کرنے والے ہو گناہ کرنے والے ہو انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء اگے فرمایا یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب کیا
बात है ए कुरान, तर्जमा अगर पढ़ना शुरू कर दे हो ना, क्या बात है, फिर पढ़न दा ते सुनन दा लुत्फ आएगा। एवें ते पता नहीं की बयान हो रहा की नहीं हो रहा तर्जमे तो बगैर। इधर वेखो अल्लाह फरमाते ने सुन लो तौबा ते सिर्फ और सिर्फ उन्हां लोगां दी है कि जेड़े लोगां तो जानी बुरा गलतियां हो जांदियां ने, बुरे अमल हो जांदे ने। इधर वेखो यअमलून सुअ बिजाला, यानी बेसमझी दी ला इल्मी दी बना दे जहालत दी वजह करके गलतियां हो जांदियां ने, फिर ए नहीं आखदे कल नूं परसों नूं महीने बाद फिर तौबा कर लवांगे। क्यों जी बूढ़े हो करके मस्जिद मल लवांगे? ना ना सोणिया, तेनूं पता है तू बूढ़ा खोड़ा है कि नहीं, जवान है ते कल आएगी, मगर तू कल होएगा या नहीं? अद्धे घंटे दी ते बड़ी दूर दी गाबात है, बैठिया बैठिया 10 मिनट बाद पता नहीं तेरा नाम मैयत रख देता जाए, फिर तौबा दा ते टाइम मिले ही ना। इंज ना करिया कर, अगर कोई इस तरह की बात बदया हो भी जावे, अल्लाह कर फरमा दे ने तौबा ते उन लोगों दी है गुनाह हो जान, सुम यतूबून मिन करीब। फरमाया उससे वेले ही तौबा कर लेंदे ने, फउलाइका यतूबुल्लाह, अल्लाह करीम ने फरमाया फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह करीम इन्हां दी तौबा कबूल कर लेंदा है, क्यों जो अकान अल्लाहु अलीमन हकीम। अगे अल्लाह ने दूसरे ग्रोह का भी तज़किरा इंज फरमाए, वलैसत तौबतु लिल्लज़ीन यअमलून सय्यिआत, और उन लोगों की कोई तौबा नहीं है जेड़े अमल बुरे करते ने, हत्ता इज़ा हज़र अहदहुमुल मौत, हत्ता कि उन्हां चों किसे एक नूं मौत दा वक्त आ जांदा है, सकरात लग जांदी है, उस वेले आखदा है पाल तुबतुल आल, हुण माफी हुण मेरी तौबा, उस वेले कहंदा हुण बस तौबा करना। अल्लाह फरमा दे इन्हां दी भी कोई तौबा नहीं, सकरात जदों लग जावे। वल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ्फार, उन्हां दी भी कोई तौबा नहीं जो कुफर दी हालत अंदर हजी मर गए। अल्लाह फरमाया उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह फरमा दे ने इन्हां वास्ते ते बहुत ही बड़ा सख्त किस्म दा दर्दनाक किस्म दा अज़ाब तैयार कर रखे है। हुण अल्लाह सानू उन लोगों अंदर करे कि जिन्हां तो गुनाह अगर हो भी जाते ने तो फौरन उस वेले ही तौबा कर लेंगे ने, बस फिर उस गुनाह के नेड़े नहीं जाते। अल्लाह उस तो बाद जी मौत आ जाए उन्होंने गुनाहों की माफ़ी मंगी होएगी, तौबा की होएगी। अल्लाह कहता है वह जो लोगों की मैं तौबा कबूल कर लेना, जितने मर्जी गुनाह हो, गुनाहों की कोई हद नहीं। अगर बंदिया मेरे तेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो अल्लाह की रहमत की भी कोई हद, अल्लाह दी रहमत दी भी को हद नहीं। अल्लाह सनु अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब इलैक। तकरीबन 20 मिनट का साडा दौरानिया हुंदा है, कदे 2 मिनट 4 मिनट वध कदे घट, हाँ जी अज पूरे 20 मिनट इंशाअल्लाह हाँ जी बयान मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे। ये जरा कुरान सुनने आ, तरावियां सुनने आ, खुलासे सुनने आ, इन्हां ते अल्लाह अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।